गवर्नर हाउस की दीवार का मामला, वजीर आजम के हुक्म पर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना, अगर एक ईंट भी गिराई गई तो जेल में जाएंगे, अदालत का हुक्म। गवर्नर हाउस सकाफती वर्षा है, दीवार गिरा कर जंगला लगाना पैसे का जया है, दरख्वास्त गुजार। जस्टिस मामूनुर रशीद ने ख्वाजा मोहसिन अब्बास की दरख्वास्त पर समाअत की, अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी, वफाकी और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। गवर्नर हाउस की दीवार गिराने पर हुक्म इम्तनाई पर कानूनी मुशावरत के लिए पंजाब हुकूमत की कमेटी तश्कील, सूबाई वजीर कानून राजा बशारत सरबरा मुकर्रर। उधर इदारों ने भी तारीख दीवार गिराने से मुआसरत कर ली, कदीमी और 60 साल पुरानी इमारत का फैसला स्पेशल प्रेमिसिस कमेटी करेगी। लाहौर न्यूज ने पंजाब गेजेट नोटिफिकेशन हासिल कर लिया, जिला इंतजामिया किसी भी तारीख इमारत का फैसला नहीं कर सकती, डेप्टी कमिश्नर सवाल सईद। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने गवर्नर हाउस की दीवार से मुतालिक स्पेशल प्रीमिसेस कमेटी की मीटिंग बुला ली। अल्लाह खैर करे, खुश्क जंगल में एक शख्स माचिस लिए घूम रहा है। गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़कर जंगला लगाने की मंतक समझ से बालातर है। हुक्मरान तमाशा छोड़कर संगीन कौमी मामलात पर तवज्जो दें। हमजा शहबाज का गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने के मामले पर रद्द अमल, बोले गवर्नर हाउस पंजाब का तारीख वर्से की हैसियत रखता है। इमरान खान अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए ऐसे इकदाम कर रहे हैं। 11 घंटे इंतजार की सूली पर रहने के बाद शालम मार्केट में आखिरकार ऑपरेशन, सारा दिन तजावजात गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन इल्तवा का शिकार रहा, थड़ों पथाड़ों और शेड्स की मिसमारी से बात आगे ना बढ़ सकी। ACCT तजावजात गिरा दी गई, खौफजदा होकर गाड़ी में दुबक कर बैठे रहे डेप्टी कमिश्नर सवाले सईद सख्त बरहम। 3 असिस्टेंट कमिश्नर्स की ड्यूटी लगा दी, 250 में से 6 गैर कानूनी दुकानें मिसमार। हाईकोर्ट का मॉल रोड और हॉल रोड पर कायम गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड फौरी खत्म करने का हुक्म, मॉल और हॉल रोड पर मौजूद इमारतों का पेंट 7 दिसंबर तक मुकम्मल किया जाए, किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगी। मुदाखलत करने वालों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएं। जस्टिस अली अकबर कुरैशी के रिमार्क्स, मेयर लाहौर को पार्किंग प्लाजे के लिए लेकोडिशन बोर्ड से राजी लेने का हुक्म, मॉल रोड पर फ्लेक्सेस लगाने पर भी पाबंदी आई। रायविंड में ड्रीम हाउसिंग स्कीम में लाकानूनियत का नैब ने नोटिस ले लिया, 154 केनाल की स्कीम में स्पॉन्सर्स की सिर्फ 41 केनाल मलकियत एराजी है, स्कीम को जाने वाले रास्ते की एराजी मरकजी हुकूमत की है। LDA अफसरान की मिली भगत से प्लानिंग परमिशन हासिल की, नैब से स्कीम इंतजामिया और LDA अफसरान के खिलाफ तहकीकात की सिफारिश, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की ऑडिट रिपोर्ट में तहलका खेज इनकशाफात, नैब ने स्कीम के बारे में सारा रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब में गिरफ्तार साबिक CTO लाहौर राय एजाज, कराची से लाहौर नैब ऑफिस मुंतकिल, राय एजाज को निजी एयरलाइन के जरिए लाया गया। DPO गुजरात तैनाती के दौरान 70 करोड़ रुपए की खुर्द बुर्द के इल्जाम में राय एजाज को गिरफ्तार किया गया, कल एहतसाब अदालत में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। पुलिस की दीदा दलेरी, मजिस्ट्रेट राणा शहबाज असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन को जरकामाल बनाकर करप्ट थानेदार अब्दुल सत्तार को फरार करा दिया, मुस्तफाबाद पुलिस ने असिस्टेंट डायरेक्टर समेत छापामार टीम को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। DIG ऑपरेशंस वकास नजीर का नोटिस, SSP ऑपरेशंस को तहकीकात करने का हुक्म। जो चीज जरूरी है उसको फॉलो करना चाहिए, हेलमेट पहनेंगे अच्छी सेफ्टी के लिए सही होता है। नहीं बैठ सकते, ये ठीक नहीं है, असि पागल अपनी आने फैक्ट्रिया जो माल में बकान ले लेडीज में भी पवा देने हेलमेट। डबल सवारी के साथ डबल हेलमेट, खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन, मोटरसाइकिल पर दूसरे सवार के हेलमेट ना पहनने पर धड़ाधड़ चालान, साइड मिरर ना होने पर भी कार्रवाई। वार्डन्स ने मॉल रोड पर 1194 अफराद को चालान की पर्ची थमा दी, घर की रोटी पूरी करें या दो दो हेलमेट खरीदें, डबल हेलमेट पहनने की पाबंदी पर शहरी फट पड़े।
लेडीज के लिए तो नहीं होना चाहिए, जेंट्स के लिए हो सकता है कि ये जरूरी है, वो तो सेफ्टी के लिए अच्छी बात है लेकिन लेडीज के लिए जरूरी नहीं है। लेडीज का भी चलान कर रहे हैं पीछे हेलमेट ना होने की वजह से, क्योंकि ये इस्लामी मुल्क है, इसमें लेडीज को तो हेलमेट नहीं ना पहनना चाहिए। फिर हुकूमत को, हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि लेडीज का चलान नहीं होना चाहिए, जेंट्स का चलान होना चाहिए। एक बंदे का हेलमेट, हम दो दो हेलमेट कहाँ से, 1500 का हेलमेट है, हम तो मर जाएंगे वैसे ही। बगैर हेलमेट खवातीन को मोटरसाइकिल पर साथ बिठाने वालों को मॉल रोड पर दाखला ममनू, वार्डन्स मोटरसाइकिल सवारों को दूसरी सड़कों पर मुंतकिल करने लगे। सीटीओ का भी जीपीओ चौक पर लगाए गए नाके का दौरा, बोले चालान का मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं, शहरियों का तहफ्फुज़ है। मर्द हो या खवातीन, डबल हेलमेट के कानून पर हर सूरत अमल दरामद करवाएंगे। पंजाब असेंबली के इजलास में साफ पानी के मामले पर बहसों तकरार, मियां महमूदुर रशीद की साफ पानी के मामले पर नून लीग पर तनकीद, बोले करप्शन और किकबैक्स ने मंसूबे को मुतनाज़ बना दिया, आवाम को साफ पानी से महरूम रखा गया। नून लीगी अरकान का शोर शराबा, ऐवान मछली मंडी बना रहा। उज़्मा बुखारी और डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी के दरमियान तलखी, डिप्टी स्पीकर का उज़्मा बुखारी को माइक देने से इनकार। 2014 में शहबाज शरीफ ने अरबों रुपए का साफ पानी का मंसूबा शुरू किया था, कंपनी में जईम कादरी के भाई को भारी तनख्वाह पर लगाया गया। नारवाल के दर्श देने वाले एहसन इकबाल के भाई को लाखों की तनख्वाह पर रखा गया। सूबाई वजीर इतलातों और नशरियात फयाजुल हसन चौहान की पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले साबिक हुक्मरानों ने पानी और आवाम के साथ खिलवाड़ किया। शहबाज शरीफ से मुलाकात में केस के मुतालिक चंद अमूर ज़ेर बहस आए, शहबाज शरीफ की सेहत से मुतालिक उन्हें खुद भी और ख़ानदान को भी तशवीश है। अदालती अहकामात के बावजूद नैब ने मेडिकल बोर्ड तश्कील नहीं दिया, 60 रोज़ गुजरने के बावजूद अभी तक कोई करप्शन साबित ना हो सकी। वकील अमजद परवेज की नैब ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले नैब का मकसद शहबाज शरीफ को मुख्तलिफ केसेस में उलझाना है। साफ पानी कंपनी स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल, नैब ने मुलजिमान के खिलाफ प्रेफरेंस एहतसाब अदालत में फाइल कर दिया। राजा कमरुस्सलाम, वसीम अजमल, डॉक्टर जहीरुद्दीन समेत 20 अफराद रेफरेंस में नामजद, मुलजिमान पर 34,58,28,000 रुपये की करप्शन का इल्ज़ाम, रेफरेंस 2000 सफात पर 9 जिल्दों पर मुश्तमिल। एहतसाब का अमल शुरू हो चुका, किसी चोर को नहीं छोड़ेंगे, पीटीआई के लिए नौजवानों ने बहुत काम किया। मुशीर वजीर आला पंजाब और चौधरी का महकमा तालुकात आमा पंजाब में तकरीब तकसीम असनाद से खिताब, बोले नौजवानों के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम ला रहे हैं। माजूरों का आलमी दिन, गूंगे अफराद मुतालिबात के हक में सड़कों पर निकल आए। पंजाब असेंबली के सामने गूंगे अफराद का मुजाहरा, ड्राइविंग लाइसेंस बना कर दिए जाएं। मुजाहरीन इशारों से मुतालबात मनवाने की कोशिश करते रहे, एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें। हम तब्दीली लाना चाहते हैं मगर आवाम तब्दीली नहीं चाहती, पुलिस अहलकारों से गलतियां होती हैं जिनकी उन्हें सजा भी मिलती है। 712 थानों में अहल SHO लगाएंगे, 10,000 ट्रेंड अफसरान मौजूद हैं जो बतौर SHO खदमात अंजाम देंगे। IG पंजाब का अहलकारों और अफसरान में इनामात तकसीम करने की तकरीब से खताब। वज़ीर आज़म इमरान खान की गुर्बत मिटाओ स्कीम में अहम पेशरफ्त, 5 मुर्गियों एक मुर्गे के सेट की तारुफी कीमत 1200 रुपये मुकर्रर। मुशीर वज़ीर आला अकरम चौधरी ने अली रजाबाद वेटरनरी हस्पताल में सब्सिडाइज सेट तकसीम किए, कहा शरीफ फैमिली ने पोल्ट्री सनट से कमाया, अब इससे आवाम कमाएगी। गोल्डन और मिस्री मुर्गियों के ये सेट चंद हफ्तों बाद अंडे शुरू कर देंगे। मुसाफिरों का सामान गुम करने वाली एयरलाइंस मुसाफिरों को जुर्माना अदा करेंगी, कैरिज एयर एक्ट नाफिज, सिविल एविएशन ने लाहौर समेत तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर इश्तहारात आवेजा कर दिए। सामान गुम करने या ज़ाया होने पर एयरलाइन 1,35,000 रुपये तक जुर्माना मुसाफिरों को अदा करेगी।
शहर में स्मोग ने फिर से बसेरा कर लिया। इंडेक्स 232 हो गया। दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 24, कम से कम 14 रहेगा। हवा में नमी का तनासुब 70%। शहर में आइंदा 48 घंटों तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद कौरी का एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार के एजाज में इशारा। एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ का गुलदस्तों, फूलों की पत्तियों और फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल। फारूक सत्तार कहते हैं अम के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद की जरूरत है। जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश, खुशनुमा रंगों के महकते फूल, शहरियों की तवज्जो का मरकज। हर गुजरते रोज के साथ रौनकों में इजाफा। नवी इंटर स्कूल और कॉलेज पंजाब गेम्स का आगाज, रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में खिलाड़ियों का मार्च पास, मशल रोशन की गई। नन्ही परियों की एरोबिक्स परफॉर्मेंस ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। सूबाई वजीर खेल राय तैमूर भट्टी और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन की खसूसी शिरकत। और पाकिस्तान विमेन हॉकी चैंपियनशिप, वापडा ने फाइनल मारका 4-0 से जीत लिया पंजाब कलर्स को शिकस्त। वापडा मुसलसल चौथी बार चैंपियन बन गया, पंजाब की दूसरी जबकि आर्मी की तीसरी पोजीशन।